नमस्कार, मैं रवीना एमिनेंस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर बीडीडी स्क्वाड का सबसे होशियार सभी का डाटा सूर्या होने जा रहा है रिटायर। नागपुर पुलिस सम्मान के साथ देगी विदाई। नागपुर पुलिस में अपने 10 वर्षों की सेवा के दौरान जाबाजी के चलते कई सम्मान हासिल कर चुका है सूर्या। सूर्या जल्द ही रिटायर होने वाला है। सूर्या यह एक लैब्राडोर है जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल में बहुमुखी से अपने काम को अंजाम दिया है। नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय सूर्या की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारा इस जाबाज अफसर ने कई मामलों को सुलझाने में हमारी मदद की है और यह दिसंबर माह के आखिरी में आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त होने वाला है। नागपुर पुलिस शाखाई के साथ सम्मान कार्यालय शौर्य के साथ होगा सम्मान। जनवरी 2008 में अपने जन्म के दो बेटे बाकी सूर्या ने फोर्स में शामिल होकर बम शोधक बदमाशों तथा बीडीडीएस की महिला पुलिस इंस्पेक्टर वैजंती वर्धने ने बताया कि आधिकारिक सेवानिवृत्त कार्यक्रम 31 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय परिसर में आयोजित किया जा सकता है। वह बताती है कि हम उसकी शानदार सेवा के लिए उसे सैल्यूट करेंगे। सूर्या को एक नारियल और शॉल के साथ पुलिस में 10 वर्ष के लिए सम्मानित किया जाएगा। सूर्या यह सबका लाडला और होशियार डॉग है। शांति शांत स्वभाव का। सूर्या के अलावा हमारे पास राजा शेरा की नामक प्रजाति के डॉग है। पुलिस के डॉग हैंडलर हेड कांस्टेबल सुनील कांकरे ने यह सूर्या को रिटायर के बाद गोद लेकर उसका पालन पोषण करेंगे। सुनील कांकरे कहते हैं कि सूर्या अपनी उम्र की वजह से थोड़ा कमजोर दिखाई देता है लेकिन वह आज भी तंदुरुस्त है। फोर्स में सूर्या उस समय से जब महज कुछ महीने का था इस वजह से वह पुलिस फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। इसी वजह से सूर्या सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसका ध्यान रखा जाएगा। सूर्या के 10 साल के कार्यकाल में डॉग हैंडलिंग अलावा नायक पुलिस कांस्टेबल ज्ञानेश्वर काकड़े ने भी सूर्या के साथ काम किया। सूर्या यह सुनील काकड़े और नायक पुलिस कांस्टेबल ज्ञानेश्वर ठाकरे के अलावा के हाथ से खाना नहीं खाता। सूर्या यह शाकाहारी खाना खाता है। वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई भी भाषा नहीं समझता। सूर्या जब फोर्स में नियुक्त हुआ था तब वह 2 महीने का था। तब उसकी अचानक तबीयत खराब हुई। उसकी देखभाल काफी की गई। सूर्या के 10 साल के कार्यकाल में विशेषता। सूर्या एक लैब्राडोर 38 किलो का वजन बताया जा रहा है। 10 से 12 हजार रुपए महीना का खाना खाता है। 2008 में पुलिस फोर्स में शामिल हो गया था। 31 दिसंबर 2018 को रिटायरमेंट होगा। 6 महीने पूना शहर में डॉग बॉम्ब स्क्वाड की ट्रेनिंग की है। नागपुर में लगभग सभी तरह के बंदोबस्त किए। VVIP में बहुमुखी में काम किया है। नक्सल भंडारा गोंदिया गढ़चिरौली में जाकर भी विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के दौरान बहुमुखी से काम को अंजाम दिया है। नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन के बंदोबस्त किया गया था। महत्वपूर्ण की बात यह है 2013 में परमेश्वर परिसर में ग्रेनेड बिछा कर दंगे होने की खबर आई थी जिससे ग्रेनेड फटने से वहां के काफी जानवर मारे गए। सूर्या ने अपने कला का परिचय देते हुए समूचा 1 किलोमीटर का परिसर ढूंढ कर करीब 8 जिंदा ग्रेनेड ढूंढ कर निकाले। उसके बाद 8 जिंदा ग्रेनेड का डिफ्यूज किया गया। इसी तरह 2012 में बाजार गाँव के पास जिनेटिक छपरा था